भाग, निकल निकल मत आ, अबे यार आ जा रे, आ जा रे, निकल। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल लकी गेमिंग। आगे से गाइस, आज की वीडियो हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट रॉयल एसएमपी, और ये इस एसएमपी का पार्ट 5 होने वाला है। तो जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा था गाइस, हम विलेजर्स को लाने गए थे पिछली वीडियो में, पर वहां पे लाते बदकिस्मती के कारण विलेजर्स सारे मर जा रहे थे। तो मैं आगे वाले विलेज से लाने गया था विलेजर्स, जो कि रिकॉर्डिंग पूरी स्टोरेज फुल होने के कारण मैं आपको दिखा नहीं पाया। पर मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि मैंने उन विलेजर्स को ले आया हूं। पर उससे पहले मैं थोड़ा वुड चॉप कर लूं, क्योंकि गाइस आज मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जिसमें बहुत सारी एक्सपी मिलेगी। वुड काटने के बाद गाइस, ये है मेरा एएफके फिश फार्म, जिसे मैंने ऑफलाइन में बनाया था, और ये कि बहुत बढ़िया वर्क भी कर रहा है। इसे मैंने एएफके छोड़ रखा था एक ऐप के जरिए, ऑटो क्लिकर ऐप के जरिए, और ये बहुत ही अच्छा लूट दिया गाइस। देख सकते हो भाई, बिना किसी मेहनत बस एक बार फार्म बना के छोड़ दिया और एएफके लगा दिया, भाई इतना बढ़िया लूट और इतनी बढ़िया बढ़िया एक्सपी भी दे रहा था। तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूं ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको एक फिशिंग रॉड निकाल के फिशिंग शुरू कर देनी है। मैं अब आपको अपने घोड़े को भी दिखा देता हूं, जो कि मैंने ऑफलाइन में ढूंढा था। गाइस अब आप कह रहे हो कि सारा काम तो मैं ऑफलाइन में कर लेता हूं गाइस, क्योंकि भाई मैं ज्यादा बड़े बड़े वीडियो डाल नहीं सकता था, और मेरे को ऑफलाइन ही करनी पड़ती है। और यहां पे देखो, मैं इसको तो उछाल के भी ले जा सकता हूं, और यह है मेरा प्यारा घोड़ा। अब मैं इस घोड़े को अंदर रख देता हूं, वापस अपना एक विलेजर दिखाता हूं। तो ये देखो, ये है मेरे विलेजर्स, यहां पे मैंने विलेजर्स को कैप्चर कर रखा है, और ये मेरे बहुत सारे विलेजर्स को बना दिया, ब्रीडिंग करवा दिया, और इनमें से मैंने काफी सारे ट्रेडिंग भी करने शुरू कर दिए। जैसे ये मेंडिंग देता है 10 एमराल्ड में, और ये मेंडिंग देते हैं मेरे को 16 एमराल्ड में। तो इसका मतलब गाइस मेरे साथ स्कैम हो गया, क्योंकि विलेजर्स को पता था कि मेरे को बस 4-5 बुक की जरूरत। तो यहाँ पे मैंने काफी सारे विलेजर्स को अपनी जॉब दे चुकी है। जैसे एक मेरे को ये बंदा मेरे को दे रहा है शायद से चैनलिंग, हाँ भाई ये मेरे को चैनलिंग दे रहा है, और इनमें से एक बंदा मेरे को इन्फिनिटी दे रहा था शायद से यही है, वो 6 एमराल्ड में होगा तो इन्फिनिटी दे रहा है, हाँ भाई ये इन्फिनिटी दे रहा है। और कुछ बंदे मेरे को दे रहे हैं फालतू चीज़ें, जैसे अभी मैं यहाँ पे छोड़ के जल्दी से चलता हूँ। ओ भाई ट्री पूरा उग चुका है, तो सबसे पहले मैं इस ट्री को काट के मिलता हूँ। वुड काटने के बाद ओके, तो ये बस थोड़ा सा बचा है, बस थोड़ा सा गाइस, इससे तोड़ने में ही हालत खराब हो गई भाई। इतना बड़ा पेड़ हो, 10 बार गिरते रहो। बात तो सही है। और मेरा एक्स का डैमेज देख सकते हो, डैमेज कह रहा है, इसकी ड्यूरेबिलिटी पूरी खत्म हो गई लगभग। अब मैं यहाँ पे एक और न्यू पेड़ लगा देता हूँ, ताकि यहाँ पे जब मैं आऊँ तो पूरा उगा रहे। तो 2 सैपलिंग मेरे पास है, और 2 सैपलिंग शायद से सामने, हाँ पूरे 2 सैपलिंग है। चलो ये मैंने शायद से गलत लगा दिया, मेरे को इस बार लगाना होगा। तो गाइस मैं वो सभी सामान बना लेता हूँ जो कि उस फार्म बनाने में लगेंगे। गाइस इस चेस्ट में मेरी एक्सक्लूसिव आइटम पड़े हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट आइटम है। तो मैं सोचा इसमें से एक ऊपर मैं तोड़ दूँ, कौन सा तोड़ूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बहुत से, 90 पूरे 100 में लगा, इसको तोड़ दो, इसको मैं डाल, ये ज़्यादा बेटर। गाइस कोने में ना यहाँ पे मैं कम यूज़ करा करता हूँ। और चलो चलते हैं हम सीधा घोड़े को लेके। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, बस पहुँचने ही वाले हैं गाइस, और बहुत दूर भी नहीं है, पर मैं घोड़ा इसलिए लाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 बार आना जाना होगा। तो ये क्या भाई, निकल भाई, अटक तू, अलग गया, अबे यार ये अलग ड्रामे। तो गाइस यही है वो स्पाइडर स्पूनर, जिसे मैं फार्म में बदलने वाला हूँ स्पाइडर एक्सपी फार्म में। और यहाँ पे मैं इतने सारे एक्सपी कमाऊंगा, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा अमीर एंचेंटमेंट में बन जाऊंगा। और गाइस यहाँ पे मैं पहले भी आया था 27 लेवल से, और मेरा हो गया था 4 लेवल मर के। तो गाइस यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और कमेंट भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब कुछ कर दो गाइस, और मेरे को ग्रो करा दो। तो यहाँ पे मैं अपना फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी कटिंग करता हूँ। A few moments later. तो गाइज मेरा यहाँ पे काम कंप्लीट शायद से हो चुका है, 1 2 3 4 1 2 3। अरे यार गाइज यहाँ का मेरे को अभी तोड़ना रह रहा है गाइज, ये तो पूरा टाइम वेस्ट है। चलो गाइज मैं यहाँ पूरा तोड़ के मिलता हूँ आपसे। ओके, तो यहाँ पे मेरा फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक वाटर बकेट डालना होगा, एक यहाँ पे, अरे यार मेरे पास एक ही वाटर बकेट है, अब मेरे को इस अनलिमिटेड वाटर सोर्स में बदलना होगा, और कुछ नहीं कर सकते। ओके मैं गाइस मैं लेके आ चुका हूँ पानी, मेरे को यहाँ पे एक वाटर डालना है बस, और यहाँ मेरा अनलिमिटेड वाटर सोर्स तैयार है। एक मेरे को अब यहाँ पे डालना है इस कोने में, और एक पहले मैं पानी ले लूँ और जल एक और बार। ओके यहाँ पे मैं पानी उठा लिया, और अब मेरे को डालना है एक यहाँ पे, इससे मेरा अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब मेरे को पानी की जरूरत है भी नहीं, पर मैं इसे फिल कर लेता हूँ।
हूँ और इसको भर देता हूँ, क्योंकि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब मेरे को यहाँ पे गाइस क्या करना है, ये बिल्कुल ठीक है वाटर, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको नहीं, पहले मेरे को इसके अंदर को तोड़ना है, सीन एरिया को बस थोड़ा सा तोड़ना है गाइस, यहाँ पे जगह बनाना है। ओके गाइस यहाँ पे मेरे जगह बना दिया, अब मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मेरे कुछ स्टोन्स तोड़ने हैं गाइस, मैं इसे डिटेल में इसलिए दिखा रहा हूँ कि गाइस कितने लोग कहते हैं कि आपने हाउस का पूरा बिल्ड डिटेल में नहीं दिखाया, इसलिए मैं इसको पूरे डिटेल में दिखाऊंगा और अगली बार से हर बिल्ड डिटेल में दिखाऊंगा अगर आपको देखना है तो। ओके तो अब मेरे को तोड़ना है इन सबको, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, इसको टूट जा। ओके अब ये सारा फ्लो गाइस बह के एक ही साइड को आएगा, वो है इधर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। देखो गाइस मैं कुछ भी फेंकूंगा वो सारे इधर ही बह के आएंगे। देखो जैसे मैं स्ट्रिंग फेंक के दिखा रहा हूँ, ये देखो आया ना मेरे पास। यहाँ पे मेरा बनेगा लूटिंग चैम्बर, तो यहीं पे हम लूटिंग चैम्बर बनाएंगे। और यहाँ पे पहले मैं इसे भी तोड़ देता हूँ क्योंकि फ्लो यहाँ तक आना चाहिए नीचे। ओके यहाँ पे मैं यहाँ पे होपर लगा देता हूँ गाइस, मेरा कलेक्टिंग चैम्बर बन रहा है और ये मेरा चेस्ट लगा और बस ये होपर लग जा लग जा लग जा लग जा। ओके अब मेरे को चेक करना है उससे कनेक्ट हुआ कि नहीं, पहले मैं इसमें स्ट्रिंग डाल के, हाँ कनेक्ट हो गया गाइस, उसमें चला गया। और वैसे भी मेरे को इसमें स्ट्रिंग ही डाले क्योंकि यहाँ पे स्पाइडर के लूट्स आएंगे तो स्ट्रिंग तो मिलेगा। ओके यहाँ पे मैंने पूरा तैयार हो गया फार्म, अब मेरे को बस टॉर्च हटानी होगी। अब टॉर्च हटाना बड़ा डिफिकल्ट काम है गाइस, क्योंकि जैसे टॉर्च हटाऊंगा स्पाइडर्स आ जाएंगे और मेरे को यहाँ से एस्केप भी करना है। एक तोड़ दिया और ये दूसरा टूट जा टूट जा टूट जा, यहीं से टूट जाना चाहिए, दूसरा भी टूट गया। ओके गाइस मैंने सारे टॉर्चेज हटा दिए हैं और मेरे को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पाइडर स्पॉन होने लग गए भाई, बस मेरे को इनसे बचना पड़ेगा। अरे यार ओ भाई 5-6 1-7 हो गए भाई, अब यार मेरे को मार रही हैं, अब क्या करूँ मैं भाई, अब मैं फंस गया अब मैं कुछ नहीं कर सकता लग रहा है, अब मैं कर क्या सकता हूँ। अब यार एक और भाई, अरे अभी वो मरी तो ही रहा है जब पानी आने लग गए भाई, ओ भाई गिरा दिया। अब यार डर जब तक हटेगी नहीं तब तक फार्म भी कंप्लीट नहीं होगा। इनको कहाँ डालूँ, अब यार इनको मारना पड़ेगा, मार सकता हूँ वैसे मैं अभी, ये दो स्वॉर्ड की है बस, पर ये भाई बहुत ज़्यादा भी है और इनका डैमेज भी लगभग ज़्यादा ही है क्योंकि मेरे पास चेस्ट प्लेट भी अभी नहीं है, मेरा चेस्ट प्लेट भी टूट रखा है। ओके तो मैंने सभी टॉर्चेज हटा दिया और डर्ट ब्लॉक भी हटा दिया, मेरे को यहाँ पे जल्दी से एस्केप करना है, बस स्पाइडर ना आ जाए यहाँ पर। ओके तो गाइस यही क्या भाई, ये तो मेरे चैम्बर में आ चुके हैं जहाँ से मेरे को मारना था, किलिंग चैम्बर में आ गया। अब यार ये गड़बड़ फार्म गलत बन गया शायद से, हाँ भाई ये फार्म गलत हो गया, अब मेरे को जल्दी से तोड़ के निकलना पड़ेगा और कुछ नहीं भाई, मेरे को जल्दी से फार्म ठीक करना पड़ेगा। ओ भाई ये तो आते ही जा रहे। अरे यार ये होपर क्यों, अच्छा मैंने स्लैब नहीं लगाया, अब यार स्लैब नहीं लगा, अब मेरे को जल्दी इनको मार के, अब यार ये 12 ओपन हो जा रहे हैं, मेरे को जल्दी से नहीं इनको मार के स्लैब बनाना पड़ेगा। स्लैब है मेरे पे, रुक जाओ स्लैब लगाता हूँ, क्राउच हो जाओ पहले मैं, हाँ ओके हट जा। अरे मकड़ी हटना, अब यार हट जा भाई बहन। ओके गाइस मेरा फार्म कंप्लीट हो चुका है, हो गया मेरा फार्म कंप्लीट, पर मैं यहाँ फिल कर दूँ, यहाँ गलत लग गया है, यहाँ फालतू गड्ढा हो गया है। ओके यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया, इसे तोड़ के मैं यहाँ लगा देता हूँ। ओके गाइस हमारा फार्म कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। अब यार ये गलत हो गया गाइस, सारा लूटिंग वहीं पर रह जा रहा है, कोई भी होपर में आ नहीं रहा लूट। अब मेरे को ओ भाई अरे यार ये तो फिर ओ नो भाई सॉरी मेरे को शायद छेड़ेगी नहीं जब तक वैसे कुछ कहूँ ना। अरे यार मार रही है। अब यार चेस्ट क्यों खुल रहा है, ओ भाई बच गया हाँ भाई ये वही सीन हो गया, वही सुनो भाग यहाँ से, भाग निकल मता। अब यार आ जा रहे निकल मत, चली जा निकल मता निकल। अब यार गाइस ये बहुत गलत सिचुएशन में हूँ भाई, बहुत गलत सिचुएशन, पक्का मैं गया हमेशा की तरह फिर से फंस गया मैं गाइस। अब तो मैं गया, वैसे भी है बार बार आए जा रहे हैं, मेरे को मरना ही पड़ेगा। ओके तो गाइस मैं मर चुका हूँ, मेरे को वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेवल मेरा ज़्यादा था नहीं, पहले मैं सो जाता हूँ, रात हो रही है। ओके तो मैं आ चुका हूँ, मेरा फार्म रेडी है और ये चेस्ट ओपन नहीं हो रही भाई, ये कौन कौन से गड़बड़ हो जा रहे हैं। चलो भाई इसे तो मैं ठीक कर दूंगा वैसे, और मेरा फार्म वैसे तैयार हो चुका है, अब ये गए, अब मेरी एक्सपी और लूट सब आएगी। ओके तो गाइज आज की इस वीडियो वाले में बस इतना ही, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।